हाय एवरीवन, सो आज का जो टॉपिक है इन टू द पॉइंट इज अबाउट ब्रिक्स ब्रिक्स एक इक्रॉनिम है विच स्टैंड्स फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका अब जब हम इसको क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल्ड तरीके से तो हम ये भी समझते हैं कि यार ये इकोनमीज इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड ब्रिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों है ऐसा कि ब्रिक्स को एक एंटी या फिर वेस्टर्न आइडियोलॉजी से ओपोजिट देखा जाता है ये वो कंट्रीज हैं विच डू नॉट कन्फर्म सी ओ एन एफ ओ आर एम विच डू नॉट कन्फर्म टू वेस्टर्न सेंक्शंस इसके अंदर रशिया है इसके अंदर चाइना है और यूक्रेन वॉर भी चल रहा है स्टिल जो ब्रिक्स नेशन है वो अपने समिट्स करता है और ये हम टू द पॉइंट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके दो कारण हैं एक तो जो इसका फिफ्टींथ ब्रिक्स का एनुअल समिट है ये अभी रिसेंटली जो है साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था राइट प्लस इसके अंदर छः और नए मेम्बर जो हैं वो जुड़ रहे हैं फर्स्ट जनवरी 2024 से ये फॉर्मली जो है ये मेंबर्स बन जाएंगे ब्रिक्स का राइट फॉर नाउ लेट अस बिगिन टूडेज टॉपिक इन टू द पॉइंट विच इज सेवन मिनट सीरीज माई नेम इज रोहित गर्चा सी अब हो क्या रहे कि ब्रिक्स जो है इट विल बिकम ब्रिक्स ऑसी वैसे इसका नाम अभी जो है वो फाइनल नहीं है इट कैन बी ब्रिक्स इलेवन ऑल्सो कई जगह आपको जो है वो ब्रिक्स इलेवन देखने को मिलेगा कई जगह आपको ब्रिक्स ऑसी जो मेन फंडा है जो अपने ध्यान रखना है इज दैट कि बाय डबलिंग इट्स मेंबर फ्रॉम फाइव टू इलेवन यानी कि छह मेंबर जो हैं वो नए इसके अंदर जो हैं वो ऐड हुए हैं तो अभी क्या है द ब्रिक्स ग्रुपिंग हैज इट्स ग्लोबल ग्रुपिंग टू बी स्ट्रेंथंडन राइट कौन कौन से वो मेंबर्स हैं जो ऐड हुए हैं फोर मेजर प्लेयर्स ये आपको लिस्ट याद रखनी है अगर आप खासकर अगर आप पीसीएस एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले हैं या उसके लिए भी देख रहे हैं तो वहां तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से छह जो मेजर जो ऐड हुए हैं मेजर कंट्रीज जो हैं मेजर इकोनॉमीज जो ऐड हुई हैं दैट इज फोर मेजर प्लेयर्स फ्रॉम मिडल ईस्ट कौन कौन से इजिप्ट ईरान सऊदी अरेबिया एंड यू साथ ही इथोपिया अर्जेंटीना फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली राइट ये वाली जब इकोनॉमीज हमारे साथ आके जुड़ी हैं बच्चे तो इट ऑल्सो डिनोट्स अ शिफ्ट इन द नॉन वेस्टर्न इकोनॉमी ग्रुपिंग कि अगर आप नॉन वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ में आप अलाइन नहीं होते होलिशन नहीं होते हो सो नाउ यू हैव अ प्लेस टू अलाइन योर सेल्फ विद राइट एक बारी जरा फटाफट लेट मी इन्वेस्ट थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई अगर आप देखेंगे जैसे वो बता रहे हैं उसके अंदर कि चार मिडल ईस्ट की कौन कौन सी है सऊदी अरेबिया ईरान यू ईरान एंड इजिप्ट हर एक कंट्री हमने इसको क्लास के अंदर हम डिटेल में जो है हमने डिस्कस किया है इसको उस पर्टिकुलर क्लास का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गो चेक इट आउट राइट उसमें ये टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया Now, Saudi, Saudi है वाई ईच कंट्री नाउ जो सऊदी सऊदी अरेबिया कंट्री है वी नो दैट ये एक इस्लामिक सेंटर है राइट right? सो so, इसका इसमें भी फायदा होगा कि अगर ये हमारे साथ आ रहे हैं इसके अलावा मिडल ईस्ट जो रीजन है इसमें जितनी कंट्रीज हैं सारी हमारी जो हैं वो ऑयल रिच नेशंस हैं एडिंग टू इट जब हमने इसमें ईरान को ऐड कर दिया बच्चे व्हेन वी हैव है ईरान ईरान के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं इट ऑल्सो टेल्स अस दैट इंडिया एंड ब्रिक्स इन जनरल डज नॉट कंफॉर्म टू दू एस पॉलिसीज हमने ईरान को इंक्लूड किया इसके अंदर इजिप्ट इजिप्ट इंक्लूड इजिप्ट एक एंट्री पॉइंट है बच्चे आपका मिडल ईस्ट से अफ्रीका की तरफ इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज और इजिप्ट का इस मामले में बहुत दबदबा भी है इट इज अ कंट्री विच इज रिस्पेक्टेड बाय बोथ द ग्रुपिंग्स है ना आपके मिडल ईस्ट का भी और आपका वो वाला भी राइट इथोपिया इट हैज द्रोथ रेट ऑफ नाइन परसेंट इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमीज ऑफ अफ्रीका राइट इसके अलावा वी हैव अर्जेंटीना अर्जेंटीना क्यों ऐड हुआ बिकॉज इट शेयर क्लोज टाइज विद ब्राज़ील प्लस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वो कंट्री जो है बच्चे दे आर हाईली एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर राइट और मेजर इकॉनमी भी है प्लस उनको भी एक बेल आउट चाहिए था फटाफट की यार हमें भी मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आना सो उनके लिए ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है राइट सो टू द पॉइंट के अंदर हमारे लिए मेजर पोर्शन यही है जो हमने याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज हैं

कि हमको हम किसी भी की कि जगह पे अलाइन नहीं होंगे हम अपनी अलग से ग्रुपिंग बनाएंगे ऑल दी मेजर इकोनॉमीज जो कि एमर्जिंग uh, है राइट right? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप बच्चे इस पूरी स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको ढंग से पढ़ सकते हैं मैं कुछ मेन मेन पॉइंट जो है आपके लिए इसके अंदर कवर करूंगा बिफोर दिस ईयर समिट ब्रिक्स अकाउंटेड फॉर फोर्टी वन परसेंट ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स फोर्टी वन परसेंट ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन मोर देन ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ द टोटल लैंड बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड ऑल्सो कंबाइंड जी डी पी ऑफ ब्रिक्स राइट और देखते हैं इसके अंदर आगे वो आप बाकी चीजें पढ़ लेना बच्चे मर्चेंट रेस एट अराउंड ट्वेंटी टू ये ब्रिक्स से कुछ जो है बच्चे आपके स्टार्ट है राइट भाई देख जाते जाते मैं आपको दैट दे ब्रिक्स नेशन इंडिया हैज दी लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटल रशिया हैज दी हाईएस्ट। जस्ट एक आपके लिए बच्चे छोटा सा ट्रिविया है एंड दैट इज ऑल इन टूडेज टॉपिक इसके अलावा जितनी भी स्लाइड है यू कैन टेक अ स्क्रीन एंड स्टडी अबाउट इट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थैंक यू सो मच